आज की वीडियो में एम एस पावर पॉइंट से जुड़े कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं और जिनका एच पी जे आई टी पोस्ट कोड नाइन सिक्स फाइव का एग्ज़ाम है उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है पावर पॉइंट का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ब्लैंक प्रोग्राम तो ये एक क्या है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और इसकी जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है पीपीटी एक्स डॉट पीपीटी दो हजार सात के बाद और 2003 की अगर बात करें डॉट पीपीटी इसका एक्सटेंशन रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे द पावर पॉइंट प्रोग्राम वाज क्रिएटेड बाई तो किसके द्वारा ये क्रिएट किया गया था तो ये रॉबर्ट गस्किन एंड

वट इज फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल तो डॉट पीपीटी एक्स इसका एक्सटेंशन होता है जो कि आपको मैं बता चुका हूँ विच कमांड इज यूज टू ओपन पावर पॉइंट डायरेक्टली फ्रॉम द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप विंडो बटन प्लस आर दबाते हो तो आपके पास एक टैब ओपन होता है उसमें आपको क्या लिखना होगा जिससे कि पावर पॉइंट आपका ओपन हो जाएगा तो पावर पी एन टी अगर आप लिखते हो तो पावर पॉइंट आपका उसमें ओपन हो जाता है

रीसेट द पोजिशन साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द साइड स्लाइड प्लेस होल्डर टू देयर डिफॉल्ट सेटिंग तो इसे रीसेट कहा जाता है यह तो काफी ईजी सा क्वेश्चन है आपको पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अ पावर पॉइंट इज अ पैटर्न और ब्लू प्रिंट ऑफ स्लाइड और ग्रुप ऑफ स्लाइड्स तो इसे कहा जाता है टेम्पलेट जो भी पावर पॉइंट में टेम्पलेट होते हैं वो ब्लू प्रिंट होते हैं ऑफ स्लाइड और ग्रुप ऑफ स्लाइड्स के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पावर पॉइंटलेट इज तो जो पावर पॉइंट के टेम्पलेट होते हैं वो किस एक्सटेंशन से सेव होते हैं तो वो होते हैं पीओटी एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट अब देखियो यहां पर शॉर्टकट की पूछी गई है पावर पॉइंट को क्लोज करने की तो कंट्रोल प्लस क्यू यहां पर इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द शॉर्टकट की टू ओपन द ट्रांजिशन टैब एंड ए ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स तो उसमें अल्ट प्लस के का यूज होता है कंट्रोल प्लस के का यूज होता है हाइपर लिंक्स देने के लिए अब यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्योंकि ज्यादातर अभ्यार्थी इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कंट्रोल प्लस के और अल्ट प्लस टी का यूज क्या होता है जो कि आपको मैं बता चुका हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वट इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट ऑन करंटली सिलेक्टेड स्लाइड तो टेक्स्ट बॉक्स वहां पर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अंडर मेन्यू द ऑप्शन ऑफ ड्रॉ इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पिक्चर आर अवेलेबल तो वो इंसर्ट में होता है इंसर्ट ऑप्शन में जब आप जाओगे वहां पर आपको कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं पिक्चर चार्ट मिलते हैं ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वट इज द की बोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द स्लाइड शो ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एफ फाइव से ये स्टार्ट होते हैं और जब आप शिफ्ट प्लस एफ फाइव दबाते हो तो उससे क्या होता है जहां से आपने अपने पावर पॉइंट क्लोज की थी वहीं से आपके वो पुनः स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वट इज द की वर्ड शॉर्टकट टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो यहां पर इसका आंसर F5 नहीं यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो एस्केप की होगा एस्केप की के द्वारा आप किसी भी पावर पॉइंट की स्लाइड को बंद कर सकते हो कैन वी इंसर्ट अ वीडियो इंटू पावर पॉइंट हाँ हर एक चीज यहाँ पर मल्टी मीडिया में जो भी चीजें आती हैं वो सब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन टू वीडियो तो हाँ वीडियो के माध्यम से भी हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं करेक्ट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद पासवर्ड तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पहले फाइल में जाओ फिर इन्फो में जाओ फिर प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन फिर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड ये आपका एक सही स्टेप होते हैं किसी भी पावर पॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे लाइव प्रेजेंटेशन फीचर वॉज एडिड फ्रॉम विच माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्जन तो लाइव प्रेजेंटेशन का जो फीचर दिया गया था वो एम एस पावर पॉइंट दो हज़ार तेरह से दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वट इज द की वर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि मैं आपको पहले बता चुका जहां से जहां तक आपने पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन चलाई थी आप वहीं से उसे शुरू करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस एफ फाइव का यूज़ किया जाता है फ्रॉम विच मेन्यू एंड ऑप्शन स्टार्ट प्ले द स्लाइड शो ऑफ प्रॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो हम स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड से अपनेटेशन को चला सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच ऑप्शन फीचर इज यूज टू कन्वर्ट हैंड रिटर्न मैथमेटिकल एक्सप्रेस टेक्स्ट तो यह होता है इंक टू टेक्सट ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां पर बात करते हैं विच ऑप्शन फीचर इज यूज टू कन्वर्ट इंक ड्रॉइंग टू शेप्स तो ये होता है इंक टू शेप इट इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड द कंप्यूटर स्क्रीन एंड इंसर्ट इट अ स्लाइड इन पावर पॉइंट हाँ हर एक चीज यहां पर हम इसमें कर सकते हैं जो भी मल्टी मीडिया से जुड़ी हुई चीजें होती है द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन ब्लैंक मेन्यू तो किस किस मेन्यू में होता है वो यहां पर इंसर्ट मेन्यू में भी होता है और रिकॉर्ड के माध्यम से भी आप यहां पर ये काम कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर जो पूछा गया है कंट्रोल द लुक ऑफ योर एंटायर प्रेजेंटेशन सच एज कलर लोगो डिजाइन तो ये आप स्लाइड मास्टर व्यू से चेक कर सकते हो स्लाइड मास्टर व्यू इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ब्लैंक इज यूज टू कस्टमाइज हाउ टू यूर प्रेजेंटेशन बिल लुक एज प्रिंटेड हैंड आउट तो यहां इसका जो सही आंसर होगा आपने आंसर पर नहीं जाना ऑप्शन बी यहां सही होगा हैंड आउट मास्टर व्यू इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ब्लैंक इज यूज टू कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन बिल लुक वेन प्रिंटेड आउट विद योर नोट्स। तो यहां पर नोट्स मास्टर व्यू सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ब्लैंक इज यूज टू सी ऑल योर ओपन विंडोज ओवरलैप्ड ऑन द स्क्रीन तो इसके लिए यूज किसका किया जाएगा तो जब भी आपके पास ओवर लैप ऑन द स्क्रीन ऑप्शन दिखे तो आपने कास्केट व्यू को हमेशा टिक करना है जो यहां पर आंसर दिखाया गया है उस पर आपने नहीं जाना तो यहां पर कास्केट व्यू यहां ही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ब्लैंक इज यूज टू स्टेक योर ओपन विंडो सो यू कैन सी ऑल ऑफ वंस तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अरेंज ऑल व्यू तो अरेंज ऑल व्यू इसमें सही आंसर होगा उ टू चेंज एन एनिमेशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो एनिमेशन इफेक्ट को आप कैसे चेंज कर सकते हो तो आपको जाना होगा फ्रॉम द एनिमेशन टैब सिलेक्ट द न्यू एनिमेशन दैट यू वॉन्ट तो ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा हाउ टू टर्न ऑफ ऑल एनिमेशन इन प्रेजेंटेशन तो यहां पर देखिए एक तो आप फ्रॉम द स्लाइड शो टैब से आप इसे कर सकते हो या फिर आप अंडर शो ऑप्शन से इसे आप शो विदाउट एनिमेशन कर सकते हो तो यहाँ पर बोथ यहाँ पर आपके आंसर जाएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी आपको तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आएगा अपियर फेड इन फ्लाइड तो ऑल ऑफ दी पर सही आंसर होगा बिच ऑप्शन या फीचर इज यूज टू अवॉइड शोइंग ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्लाइड एट वंस तो इसमें विल्ड स्लाइड सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है अवॉइड शोइंग ऑल ऑफ द एलिमेंट एट स्लाइड एट वंस तो इसके लिए विल्ड स्लाइड का ऑप्शन यहां पर यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे टू अ ट्रांजेक्शन सिलेक्ट तो यहां पर ट्रांजेक्शन में जाओ फिर नन में आपको दबाना होगा तो ये सही आंसर हो जाएगा टू अ ट्रांजेक्शन स्पीड इफेक्ट स्पीड सिलेक्ट तो यहां पर आपको क्या करना होगा अगर आपको एक ट्रांजेक्शन की स्पीड सेलेक्ट करनी है तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन पर जाओ फिर टाइमिंग ग्रुप में जाओ फिर ड्यूरेशन बॉक्स में आपको जाना होगा जिससे कि आप उसकी टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हो टू सेट अ साउंड टू प्ले ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन सिलेक्ट तो उसके लिए आपको क्या करना होगा तो उसके लिए भी आपको ट्रांजेक्शन में ही जाना होगा टाइमिंग ग्रुप में जाना होगा फिर साउंड पर आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द कीवर्ड शॉर्टकट फॉर शोइंग और हाइडिंग अ ग्रिड इन प्रेजेंटेशन कीवर्ड शॉर्टकट की क्या होगी शोइंग और हाइडिंग ग्रिड के लिए अगर आपको ग्रिड को हाइड और शो करना है उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस एफ नाइन का यूज करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाउ कैन वी इंसर्ट एन इमेज सच एज लोगो और बैनर दैट विल अपियर इन द सेम पोजिशन ऑन ऑल द प्रेजेंटेशन स्लाइड तो उसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट द इमेज लोगो में ऑन स्लाइड मास्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बाय यूजिंग ब्लैंक वी कैन सी ऑल स्लाइड एडवांस का इसमें यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द की शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के ये आप सभी जानते होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे व्हाट इज डिफॉल्ट कलर ऑफ द पेन इन पावर पॉइंट स्लाइड तो जो पेन आप यूज करोगे पावर पॉइंट स्लाइड में उसका डिफॉल्ट कलर रेड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू तो इसमें अल्ट प्लस एफ फाइव आपका शॉर्टकट की होगा आप देखिए अगर आपके पास प्रेजेंटर शब्द ना दिया गया हो तो आपके पास एफ फाइव आंसर हो सकता है लेकिन यहां पर पूछा गया है तो तो यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टेप टू रिकॉर्ड स्लाइड शो इन पावर पॉइंट तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे सबसे पहले सिलेक्ट स्लाइड शो में जाना होगा फिर रिकॉर्ड स्लाइड शो में जाना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ड्यूरिंग द स्लाइड शो विच शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू द कंप्यूटर टास्क बार तो कंट्रोल प्लस टी देखिए कुछ एक ऐसी शॉर्टकट कीज भी मैंने आपको इसमें बताई है जो सिर्फ पावर पॉइंट में ही यूज़ होती है बाकी जगह पर इनका अलग यूज होता है जैसे कि आप सभी जानते होंगे कंट्रोल प्लस टी का यूज वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए किया जाता है लेकिन जो प्रेजेंटेशन है यहां पर प्रेजेंटेशन में इसका यूज पावर पॉइंट में इसका यूज किया जाता है टास्क बार दिखाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द की शॉर्टकट टू प्ले प्लेबैक अल्ट्यू ये आपका आंसर यहां पर हो जाएगा अब अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं द कीवर्ड शॉर्टकट टू शो और हाइड इंक मार्कअप तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज किया जाता है तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एम इंक मार्कअप को हाइड करने के लिए तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको मैं यहां पर लेकर आया था बाबो पॉइंट के रिगार्डिंग तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे आपने लाइक और शेयर जरूर करना है बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हिमाचल प्रदेश में जो भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आती है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दे दी जाती है कोई भी ऐसा अपडेट जो भर्ती से जुड़ा होता है और जो आपको जानना ज़रूरी है वो भी यहाँ पर बता दिया जाता है तो चैनल से जुड़े रहें तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में